बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं N24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। और मैं हूं अरीज नदीम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे, खबर शामिल करेंगे उमरकोट से। उमरकोट में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। SSP उमरकोट आसिफ रजा बलोच के अहकाम पर जराइम पेशा अफराद मंशियात और तमाम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। उमरकोट CIA पुलिस की कार्रवाई, गुटका सप्लायर मुलजिम मजनून चानियों को गिरफ्तार कर लिया। 100 सफीना 200 अदद अदाब गुटकियाँ पुड़ियाँ बरामद। पुलिस थाना उमरकोट सिटी पर मुकदमा दर्ज कर लिया। दूसरी जानवी समारोह पुलिस थाने ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम नवाब अली खास किली को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 440 सफीना बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिया। अफसोसनाक खबर शामिल करने के लिए रुक करते चले जी जलालपुर पिरवाला का, जहाँ पर पेट्रोलिंग पोस्ट के करीब कार और मोटरसाइकिल के मबैन तसादुम का वाकया पेश आया। मुल्तान रोड अलीपुर मोड़ पर पेट्रोलिंग पोस्ट के करीब कार और मोटरसाइकिल के मबैन तसादुम। रेस्क्यू सराय के मुताबिक हादसे का शिकार 3 जख्मियों को तश्वीशनाक हालत में THQ हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। जख्मियों में एक शख्स की टांग टूट गई जबकि 3 साल बच्ची जख्मों की ताब न लाते हुए जान भाग हो गई। जख्मी नौजवान के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस ने चेकिंग के लिए गाड़ियों को रॉन्ग साइड पर रोका हुआ था। पेट्रोलिंग पुलिस ने गाड़ियों को दुरुस्त समत पर रोका होता तो रोड क्रॉस करते हुए हम हादसे का शिकार न होते। बुलेटिन में बात होगी घोड़ाबारी से। घोड़ाबारी में चोरी की वारदातें ना थम सकी। घोड़ाबारी वर्षहर में परचून की दुकान की खिड़की तोड़कर लाखों रुपए चोरी कर लिए गए। गोशी कुत्ते के जरिए चोर तलाश। घोड़ाबारी वर्षहर में एक परचून की दुकान से रात गए चोरी की वारदातों में पुलिस एहलकारों ने सुराग रसा कुत्तों की मदद से शेख मोहल्ला में मुलजिम के घर पर छापा मारा। रात गए नामालूम चोरों ने राजा दीवान की दुकान की खिड़की तोड़कर हजारों रुपए मालिक का सामान और नकदी चोरी कर ली और फरार हो गए। वहीं शेख मोहल्ला में जवार शेख के घर में रखे हुए गोशी कुत्तों ने चोरी की पटरियाँ उठा ली। दूसरी जानिब थाना वार के इंचार्ज राजा मुजफ्फर राजपूत का कहना है की दुकान की खिड़की तोड़कर सामान चोरी करने का वाकया पेश आया। जल्द मुलजिमान को गिरफ्तार करके मसरूका सामान वापस कर दिया जाए। अब आपको बताएंगे समारोह से, जहां पर सूबाई वज़ीर सियाहतो सकाफत शाह हाउस पहुंच गए। सूबाई वज़ीर सियाहतो सकाफत नवाज रातो आर्काइव से सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह रेवन्यू कॉलोनी मीरपुर खास में मुबैशना तौर पर कत्ल होने वाले सैयद एजाज हुसैन शाह बुखारी की ताज़ियत के लिए बुलंद शाह हाउस समारोह पहुंचे। अज़ीज़ान ने सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह सैयद सादिक शाह बुखारी से फातिहा करके दुआए मगफ़रत पढ़ी। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह ने कहा, सैयद एजाज हुसैन शाह एक बेहतरीन वकील और अच्छी शख्सियत के मालिक थे। अचानक मौत का सुनकर बड़ा दुख हुआ। मैं DIG और SSP मीरपुर खास से बात करूंगा, इस वाक़े की तफसीलात लूंगा। मुकदमा में कितने ही कज़र पुरानी क्यों ना हो, सिंध गवर्नमेंट मकबूल सैयद एजाज हुसैन शाह बुखारी के वालिदैन से हर मुमकिन तआवुन की यकीन दहानी कराता हूँ। इस मौके पर पीर आफाक जान सरहिंदी, साबिक चेयरमैन पीर आबाद जान सरहिंदी और दीगर भी शामिल थे। बुलेटिन में बात होगी सराय नौरंग से। सराय नौरंग में अकरामुल्ला खान का अपने दोस्तों के साथ अफ्तार पार्टी का प्रोग्राम। डेयरी कब्रस्तान के साथ कक्की रोड सराय नौरंग पर अकरामुल्ला खान का अपने दोस्तों को अफ्तार पार्टी का प्रोग्राम। डेयरी कब्रस्तान के साथ कक्की रोड पर अकरामुल्ला खान ने अपने दोस्तों के लिए अफ्तार पार्टी का एहतमाम किया, जिसमें अनाम खटक, जुबैर, आमिर अरशाद, वसाल और नज़ीर खान ने खसूसी तौर पर शिरकत की। अफ्तार पार्टी में गहरे दोस्तों ने खसूसी शिरकत की और मुख्तलिफ किस्म के रवायती खानों से लुत्फ अंदोज हुए। तमाम दोस्तों ने अकरामुल्ला खान का शुक्रिया अदा किया। अब आपको बताएंगे उमरकोट से, जहां पर ज़िला सतह पर मनशियात और गुटखा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए टास्क फोर्स तश्कील दे दी गई। इजलास में पुलिस में मौजूद काली भेड़ों को महकमे से निकाल बाहर किया जाएगा। पुलिस अफसरान से अहलकारान को किसी भी किस्म की क्रिमिनल सरगर्मियों में मुलविस इसके खिलाफ महकमाना कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आवाम की दादरसी और मसायल और शिकायत के हल के लिए पुलिस थानों में कायम जेलो लॉकअप में CCTV कैमराज भी नस्ब किए जाएंगे। सालिन की शिकायत पर पूरी FIR दर्ज की जाएगी। रोड हादसा की FIR जो समय थाने पर मौजूद पुलिस ऑफिशल्स, हेड मोहर और ड्यूटी अफसरान आवाम के साथ मुशफिकाना और पेशावराना रवैया इख्तियार करें। पूरे जिला उमरकोट पुलिस का क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन यूनिट, क्राइम सीन कत्ल, रेप, इकबाल, सियादती गाड़ियों के हादसा और दीगर संगीन नोयत के वाकयात में क्लिदी किरदार अदा करेगा। सबूत और CCTV कलेक्शन भी महफूज करना अव्वलीन तरजीह है। जबकि माह रमजान के तीसरे अशरे की सख्त सिक्योरिटी एहतराम रमजान ऑर्डिनेंस पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। 64 नमाज तरावी पॉइंट्स की सिक्योरिटी ईद उल फितर के ड्यूटी प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद भी यकीनी बनाया जाएगा। बुलेटिन में बात होगी रहीमियर खान से। रहीमियर खान में पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत के मुताबिक पुलिस का पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पुलिस ने 5 पतंग फरोशों को गिरफ्तार करके 304 पतंगे, दर्जनों कातिल डोर की चरखियां बरामद कर ली। ताज़ा तरीन कार्रवाई में थाना CDVN पुलिस ने मुलजिम अली हसन को गिरफ्तार करके 70 पतंगे, 2 अदर चरखी, डोर बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। जबकि पुलिस की जानिब से मोटरसाइकिल सवारों को सेफ्टी वार्ड लगाने की आगाही मुहिम भी जारी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत के मुताबिक जिले को पतंगबाजी के लिए नो फ्लाई जोन करार दे दिया गया। DPO रिजवान उमर गोंदल की कयादत में पुलिस ने 5 पतंग फरोशों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से 304 पतंगे, दर्जनों जानलेवा धाती डोर की चरखियां भी बरामद कर ली गई।
अब आपको बताएं तो युवा कार सरगर्म हो गए, भरछा का नौजवान अगवा कर लिया गया। निजाम भजी रतोडेरो के करीब नौजवान अगवा। पुलिस सराय के मुताबिक नौजवान की बाजियाबी के लिए अगवा कारों ने वर्षा से 50 लाख रुपए का तावान तलब किया। रकम न मिलने पर डाकुओं की जानिब से नौजवान को कत्ल करने की धमकी भी दे दी गई। मुखबी के करीब रिश्तेदारों की भरछा प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा। वर्षा के मुताबिक आईजी सिंह पुलिस नोटिस ले और हमारे मुखबी नौजवान निजाम भजी को फौरी तौर पर डाकुओं के कब्जे से आजाद कराए। मुखबी नौजवान पेट पालने के लिए कराची में मेहनत मजदूरी के लिए गया था। अगवाकारों ने फोन पर लड़कियों की आवाज में नौजवान को फंसाया और अगवा किया। डाकुओं ने व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर नौजवान को आजाद करने के बदले में 50 लाख रुपए का तावान तलब कर रखा है। हमारे पास बच्चों को खिलाने के लिए भी कुछ नहीं। डाकुओं ने हमें वीडियो कॉल पर नौजवान को जंजीरों से जकड़ा हुआ भी दिखाया है, जिस पर वो बेरहमी से उस पर तशद्दुद कर रहे हैं। आला हुकाम से मदद की अपील है। बुलेटिन में बात होगी कमालिया से। कमालिया में आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हदायत पर जिले कमालिया में पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मजीद तफसीलात जानते हैं मियां खालिद सुल्तानी से। जी मियां खालिद सुल्तानी, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी बिल्कुल, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और डीपीओ टोबा टेक सिंह अबादत नसार की सरबराही में पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तफसीलात के मुताबिक ज़िला भर में अब तक पतंग फरोशों और पतंगबाजों के खिलाफ 60 से ज़ायद मुकदमा दर्ज करके मुलजमान को गिरफ्तार किया गया, जबकि गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से 5000 से ज़ायद पतंगे और मुतअद्दद केमिकल डोरों की चरखियां भी बरामद की गईं। पतंगबाजी की रोकथाम के लिए ज़िला भर में सख्त मॉनिटरिंग और आगाही मुहिम का आगाज़ किया गया। इस सिलसिले में मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस में आगाही लेक्चर दिए गए और आगाही वाक का भी इनाकाद किया गया। डीपीओ टोबा टेक सिंह अबादत नसार ने अपने पैगाम में कहा, पतंगबाजी एक जानलेवा खेल बन चुका है, इस खूनी खेल को खेलने से इज्तनाब करें। मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं और गर्दन पर मफलर वगैरह लाजमी लपेट लें। इसके साथ साथ मोटरसाइकिल पर सेफ्टी राड जरूर लगवाएं। मजीद डीपीओ टोबा टेक सिंह अबादत नसार ने अपने पैगाम में कहा, आप सब लोगों से गुजारिश है कि जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें और जहां आप पतंग फरोशी होते देखें या पतंगबाजी देखें तो ज़रूर 15 पे कॉल करें और ज़रूर इसकी इतला दें। आपकी इस इतला से, आपकी इस फेल से हम कीमती जानों को बचा सकते हैं। मियां खालिद सुल्तानी, NAN 24 न्यूज़, टोबा टेक सिंह। बुलेटिन में बात होगी नवाब शाह की, जहां पर ईद राशन पैकेज प्रोग्राम मुनाकिद हुआ है। गुलिस्तान बहु वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल जिला शहीद वेनेसराबाद के जिला तमाम ऑडिटोरियम में 22वां सालाना ईद राशन पैकेज प्रोग्राम मुनाकिद हुआ, जिसमें 160 मुस्तहिक और नादार घरानों में राशन तकसीम किया गया। सदर मजलिस बानी मर्कज़ी चेयरमैन हजरत सखी खालिद सुल्तान बहु सरवरी अल कादरी और मेयर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काजी मोहम्मद रशीद भट्टी ने शुरुआत से खिताब किया। कहा, गुलिस्तान बहु वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल जिला शहीद वेनेसराबाद 21 सालों से मुसलसल इंसानियत की भलाई के लिए काम कर रही है, जो कि काबिले सताइश अमल है। मर्कज़ी चीफ मोहम्मद अशरफ राई ने सपासनामा भी पेश किया। 21 साल कारकर्दगी पर तफसील रिपोर्ट भी पेश की और अमजद अली राय ने मीडिया के नुमाइंदगान का शुक्रिया भी अदा किया। बुलेटिन में बात होगी दीरपाइन से। दीरपाइन में डेप्टी कमिश्नर का मंडियों का दौरा। जिला इंतजामिया दीरपाइन 27 मार्च 2024 डेप्टी कमिश्नर दीरपाइन जनाब वासिफ खान की हिदायत के रोशनी में आज डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर जनाब काशिफ हसान ने जिला इंतजामिया और महकमा ज़राअत के नुमाइंदों के हमरा सुबह बोली के वक्त फ्रूट सब्जी मंडी तिमरगिरा का दौरा किया। बोली के बाद फ्रूट सब्जी के मुख्तलिफ होलसेल रेट का तज्जिया करके दीरपाइन के लिए सब्जी फरूट के लिए आज सरकारी दीर्घनामे मुरातिब किए। अवामी शिकायत पर पैक फ्रूट सब्जियों को क्वालिटी का जायजा लिया। किसी भी शिकायत की सूरत में दीर्घनामे पर दर्ज टेलीफोन नंबर ऐप पर अपना शिकायत दर्ज करें, आपकी शिकायत पर फौरी कार्रवाई की जाएगी। स्पोर्ट्स के हवाले से बात कर लेते हैं जी। सोबतपुर के जहाँ पर पुरअमन पाकिस्तान नाइस क्रिकेट टूर्नामेंट मुनाकिद हुआ। पुरअमन पाकिस्तान नाइस क्रिकेट टूर्नामेंट FC 53 विंग के कर्नल कमांडेंट अहमद खान के ताउन से मुनाकिद किया गया, जिसके मेहमान खास कर्नल कमांडेंट 53 विंग सुई राइफल अहमद खान, SSP सोबतपुर गुलाम हुसैन बजोई थे। पुरअमन पाकिस्तान नाइस क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज बाकायदा तलावत कलाम पाक से हुआ, जिस पर कौमी तराने के एहतराम के साथ सब खड़े हो गए और सलाम पेश किया। मेहमान खास को खिलाड़ियों ने हार पहनाकर तारुफ कराया। टूर्नामेंट का आगाज कर्नल कमांडेंट अहमद खान ने बैटिंग और SSP सोबतपुर ने बॉल फेंककर किया। इस मौके पर जिला सोबतपुर क्रिकेट एसोसिएशन के सदर फयाज अहमद कोसा, नायब सदर गुलाम नबी गोला, CIA पुलिस सोबतपुर के इंचार्ज अली रजा कोसा, मुस्लिम लीग नसीराबाद के सदर मियां मोहम्मद हुसैन गोला, टूर्नामेंट कमेटी जावेद सिया कोसा ने भी शिरकत की। बुलेटिन में बात होगी शकरगढ़ से। शकरगढ़ में अलामा अताब मुस्तफ़ा का तबादला जामे मस्जिद नूर में हुआ।
शकरगढ़ अलामा अता मुस्तफ़ा का तबादला जामिया मस्जिद नूर शकरगढ़ में दोबारा किए जाने की खुशी में उनके अकीदतमंदों ने उन्हें फूलों के हार पहनाए वालहाना इस्तकबाल किया। चेयरमैन अमूर मसबी कमेटी चौधरी हाजिद मोहम्मद नवाज ने भी फूलों के हार पहनाए और मिलजुल कर महकमे की हदायत के मुताबिक काम करने के अहद को दोहराया। खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए क्योंकि हम चाहते हैं हर खबर अमन के साथ।